अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड अदर व्लॉग के साथ। और आज है मेरा थर्ड पेपर, और थर्ड पेपर मेरा इंग्लिश का है और बहुत टफ है। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। मुझे आप सबकी दुआ चाहिए कि मैं उसमें बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाऊँ और मैं जल्दी जल्दी से अच्छा अच्छा सा पेपर कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलें फिर आज की जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो मिलते हैं फिर आपको हम रास्ते में। चलें चलें, एग्ज़ाम सेंटर नहीं चलना मेरे साथ, चलना है ना, तो फिर चलें, किस बात का इंतज़ार है। फिर इतनी गर्मी है कि मेरे से तो अभी से ही बर्दाश्त नहीं हो रही। रास्ते में जा रहे हैं पेपर देने। पेपर मैं फाइनली दे आई हूँ और पेपर भी मेरा अच्छा हो गया। इंग्लिश का पेपर था, मैं डर रही थी कि अच्छा होगा या नहीं, लेकिन मेरा पेपर अच्छा हो गया। और पीछे का व्यू भी इनका बहुत प्यारा है। मुझे वैसे क्यून मेरी कॉलेज इतना कुछ खास पसंद नहीं है, लेकिन इसकी जो बिल्डिंग्स है ना वो बहुत पुरानी बनी हुई हैं, कुछ पुराने स्टाइल से बनी हुई हैं, तो इसलिए मुझे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। पहले मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जैसे जैसे मैंने इसको देखा और इसमें एग्ज़ाम्स वगैरह दिए तो अच्छा है। इसमें हम पिक्स बहुत अच्छी ले सकते हैं, वीडियोस बहुत अच्छी बना। मेरी ऐसी लड़कियों ने कॉलेज में क्या देखना होता है, कॉलेज का व्यू देखना होता है। मेरी में ज़्यादातर इधर की लड़कियों की बात की जाए तो मेरी उनसे बात नहीं हुई, क्योंकि मैं तो हम अपना एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं। और आज मैंने आपको एग्ज़ामिनेशन हॉल इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि टीचर्स थी, तो इसलिए मैंने आपको नहीं दिखाया। और बहुत खुला और बड़ा कॉलेज है मेरे ख्याल से ये, और काफ़ी अच्छा भी है। पेपर मेरा हो गया है, अच्छा ही हो गया बस। तो ये इस साइड से हम बाहर जाएंगे, ये बाहर जाने का रास्ता है। और आज ना मैं आपको एक जगह पे लेके जाती हूँ, मेरा ना तीसरा पेपर है ना। हाँ, मेरा तीसरा पेपर है। मेरा काफ़ी ना जाने को बड़ा दिल कर रहा था। वो सामने पुल नज़र आ रहा है, जो ऊपर पुल चढ़ के बड़ा प्यारा व्यू नज़र आता है। देखो चढ़ने देते हैं या नहीं। तो ये इनकी कैफेटेरिया, गंदा सा कैफेटेरिया, किसी ना काम का कुछ खाने के लिए इन्हें मिलता। स्तारशा को कहूँगी बाइट से खाना खाएं। सॉरी, स्तारशा नहीं कहते गाइस, अब्बा हजूर कहते हैं, अब्बा हजूर को कहूँगी। तो ये काफ़ी लड़कियां हैं, तो अब हम पुल पे चढ़ते हैं। पता नहीं हमें चढ़ने देंगे या नहीं। किसी ने रोका नहीं, हमें कोई रोक ही नहीं सकता। किसी के अंदर इतनी हिम्मत, कोई सईदा रिबा को रोक कर दिखाए। तो ये बाहर का है, ये तो आप देख ही सकते हैं, क्यून मेरी कॉलेज के बाहर। यार मुझे वैसे भी ग्रीनरी बहुत पसंद है, और इनके हर जगह जगह ना ये देखें, आ गया पुल। हम इस साइड से उस साइड पे जा सकते हैं, आराम से एंटर हो सकते हैं। ये देखें, वाह, ये देखें क्या नज़ारा है यार। मेरा काफ़ी देर का सपना था कि मैं इस पुल पे आऊँ और मैं यहाँ से ऐसे वीडियो बनाऊँ। मुझे क्या पता था कि मैं ब्लॉग ही बनाऊँगी। आप ये देखिए कितना प्यारा नज़ारा है, आपको मैं इस साइड से भी दिखाती हूँ। ये देखें कितना प्यारा लग रहा है, वो देखो सब देख रहे हैं, इसीलिए ये एम्बैरेसिंग मोमेंट है। हम ऐसा करते हैं, नीचे ही दफा हो जाते हैं। वैसे तो मुझे नीचे ही जाना चाहिए, मैं आई हुई हूँ वैसे इस साइड पे। इस साइड पे लगता है बंद है सारा, तो चलें वापस चलते हैं। तो जो मेरा सपना था वो तो पूरा हो गया ऊपर जाने का। अच्छा, मैं काफ़ी पेपर्स मेरे हो गए, तीन, तीसरा पेपर है। मैं तीन पेपर से ही सोच, पिछले दो पेपर से मैं कह रही यार मैं पुल पे चढ़ूँ, फिर मैंने कहा पता नहीं मना कर दें, पता नहीं चढ़ने देते भी हैं या नहीं, इसीलिए फिर मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। लेकिन मुझे क्या पता कि सईदा अरीबा को कोई भी नहीं रोक सकता, तो बड़ा मज़ा आया। अभी देखते स्तारशा आया या नहीं। स्तारशा को, ओहो सॉरी यार, मुंह से बार बार स्तारशा निकल जाता है, अब्बा हजूर कहना है मेरे। बाहर जाना तो अलाउ ही नहीं है ना। अगर देखो मैं उस साइड से पुल पे भी गई हूँ तो उधर का उन्होंने डोर बंद किया हुआ था, डोर क्लोज था उनका, हम बाहर नहीं जा सकते। ये देखें कितनी ग्रीनरी है इस साइड पे, फूल तोड़ना मना है लिखा हुआ। तो मैं आपको दिखाती हूँ, मुझे नहीं पता कि ये इनकी ग्राउंड है या क्या है,
लग तो ग्राउंड ही रही है, ग्राउंड इनकी ऐसी नहीं होगी शायद, इनके एक साइड थोड़ी है, इनकी इतनी साइड है कॉलेज, कितना बड़ा कॉलेज है। तो विज़िट करें आप लोग, अच्छा लगेगा आप लोग को। तो अब हम घर की तरफ रवा दवा हो गए हैं, रवा दवा मीन्स रवाना हो गए हैं माई यूट्यूब फैमिली। ये देखें मैंगो लगे हुए हैं, एप्पल भी, और ये यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी UET है यूनिवर्सिटी, हमारे घर के पास ही है ये, तो अभी स्टार्ट हुई है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है ये तो ख़त्म ही नहीं होती, पता नहीं इसके कितने गेट्स हैं। ये भाई इन्होंने फ्रूट लगाया होगा, ये इसका गेट नंबर 2। ये मेरे अब्बा हजूर का बैंक, अबू इधर से पैसे निकलवाते हैं, मेरे अबू के पास बड़े पैसे हैं। बड़ा मज़ा आता है और हम जा रहे हैं ढाका भैया से बिरयानी ले रहे हैं, ढाका भैया की बिरयानी हमारे यहाँ घर के बाहर भी आई है। ये ढाका भैया से बिरयानी और बोतल ले ली है, ढाका भैया